इधर रजिस्टर निकालो बस, और बुक वगैरह सब कुछ बंद करो, सिर्फ रजिस्टर निकालो। मैं क्वेश्चन का पैटर्न बता रही हूँ, तुम्हें इन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। एक मिनट, ठीक है, तुम्हें इन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। एक सेकेंड, अनुष्का ने कुछ बोला है। 28 जिनका सिक्स सब्जेक्ट। अच्छा, ठीक है अनुष्का, देखो अभी हेडिंग डालो, क्वेश्चंस 6 मार्क्स, मार्केटिंग क्वेश्चन सीधे नहीं आएंगे। मैं कुछ स्कूल्स की कैटेगरी मुझे पता है जिनमें कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं आएगा कि डिमांड बढ़ रही है तो डायग्राम बना के दिखाओ। तुम्हें पता है डिमांड बढ़ रही है, डिमांड का प्राइस पर शिफ्ट करेगा, प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चन किस फॉर्म में होंगे, लिखा कैटेगरी क्या, एक्सप्लेन एंड एनालाइज द इकोनॉमिक थ्योरी that shows a rise in price of wheat, that shows a rise in price of wheat on the demand for maize, on the demand for maize full stop use side। ये 6 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लिया हो तो एक बार पढ़ो क्वेश्चन, और ये मत सोचो, मतलब ये अज्यूम करो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पुट किया गया है, कोट किया गया है, और तुम्हें दिमाग लगाना है कि यार ये कहाँ से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। माइक्रो में है क्वेश्चन, और तुम्हें दिमाग लगाना है कौन से चैप्टर से है क्वेश्चन। कहीं नहीं लिखा है मार्केट इक्विलिब्रियम जैसा वर्ड, या इक्विलिब्रियम भी कहीं नहीं लिखा। क्वेश्चन लिखा है Explain and analyze the economic theory that shows a rise in price of wheat on the demand for maize use diagram। बस डिमांड वर्ड एक दिख रहा है तो हर बच्चा पता है क्या सोचता है, अच्छा डिमांड वर्ड है तो ये तो वहां से आ गया क्वेश्चन, यूनिट 2 डिमांड वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया। एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी ऐसी स्टेटमेंट आती है, इसको बुक में कहीं लिख लेना, जब ऐसी स्टेटमेंट लिखी हुई आती है कि एनालाइज द इकोनॉमिक थ्योरी या एनालाइज द इकोनॉमिक स्टेटमेंट, दैट मींस कि यहाँ पे दोनों की एग्जिस्टेंस होगी, डिमांड की भी और सप्लाई की भी। ये लिख लो, राइट इट डाउन समवेयर कि इफ द स्टेटमेंट इज इन द फॉर्म एनालाइज द इकोनॉमिक थ्योरी या एनालाइज द इकोनॉमिक स्टेटमेंट, तो एनालाइज वर्ड जब भी क्वेश्चन में आएगा ये इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल सप्लाई के लिए नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ तब लिखा हुआ आता है जब क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है, मार्केट इक्विलिब्रियम। जब तुम अपनी बुक खोलोगे उसमें 6 नंबर लास्ट कैटेगरी है 6 मार्क्स क्वेश्चंस, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस हैं वो, तुम सब करना, सारे के सारे क्वेश्चंस करना। मैं सब सारे पैटर्न बता रही हूँ तुम्हें एक ही बार, किस किस टाइप के भाई सब किश्तों में आ रहे हैं। एक मिनट, सारी कैटेगरी मैं तुम्हें बता रही हूँ इंडिविजुअली कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और इनकी प्रेजेंटेशन क्या रहेगी। ये चैप्टर आप इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 1-6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन के आएगा तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स, ठीक है। जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया, वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मार्केट इक्विलिब्रियम। एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने सिर्फ ये बताया कि अगर क्वेश्चन तुम पढ़ के जज नहीं कर पाते कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिकॉज नथिंग इज रिटन रिलेटेड टू मार्केट इक्विलिब्रियम, कुछ नहीं लिखा, तो हमेशा दिमाग लगाओ और ये देखो कि यार मुझे क्या एक्सप्लेन करना है। उसने बोला है कि ये जो इकोनॉमिक थ्योरी है, जो स्टेटमेंट दी हुई है, इसको एनालाइज कर। एनालाइज का मतलब होता है एग्जामिन कर, तो एग्जामिन हम दोनों पर्सपेक्टिव से करेंगे, डिमांड भी और सप्लाई भी, मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम का डायग्राम यहाँ कंपल्सरी बनाया जाएगा, ठीक है। अब लिखो, तुम्हें पता है आंसर की स्टार्टिंग कभी भी सीधा डायग्राम या शेड्यूल से नहीं होती, हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखते ही लिखते हैं, तो पहले इंट्रोडक्शन लिखो। व्हीट और मेज ये दो गुड्स हैं,
बस मुझे ये बताओ, वीट और मेन्स कॉम्प्लीट कॉम्प्लीमेंट्री है या सब्स्टिट्यूट गुड्स है? व्हीट और मेज कॉम्प्लीमेंट्री है या सब्स्टिट्यूट है? गुड। हाँ, ये तुम्हें पता है कि भाई दोनों आटे का ही एक पार्ट है, तो एक अलग वैरायटी का फ्लावर है, एक अलग वैरायटी का फ्लावर है। तो अगर व्हीट का प्राइस बढ़ रहा है तो मेज की डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज, बताइए। अगर व्हीट का प्राइस बढ़ रहा है तो मेज की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? जल्दी बताओ, ये तुम करके आए हो, यानी तो बचपन निकल गया। गुड, वेरी गुड। ऑब्वियसली बात है, मेज की डिमांड बढ़ेगी, तो ध्यान रख। अब एक बार यू कल डायग्राम देखें, तुम्हें ये देखना है कि भाई कौन सा कर्व शिफ्ट करेगा। इतना डायग्राम तो कॉमन है हर केस, ये तो हमें पता है। अब मुझे ये देखना है भाई, सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने सप्लाई में तो कहीं पढ़ा, मैंने डिमांड में ही पढ़ा था। और अगर व्हीट का प्राइस बढ़ेगा, और लिखा भी है, हिंट भी दिया हुआ है, डिमांड फॉर मेज विल इंक्रीज एंड सो द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टूवर्ड्स, राइट। ये आया नया इक्विलिब्रियम, प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी बढ़ गई। ये नॉर्मल डायग्राम हो गया हमारे लिए, क्योंकि हम शुरू से ऐसे ही डायग्राम्स बना रहे हैं। तो बस ये ध्यान रखो, डायग्राम बनाया, एक्सप्लेनेशन भी, इंट्रोडक्शन लिख रहा, ये प्रेजेंटेशन रहेगी 6 मार्क्स कैटेगरी के लिए। तो पहले लिखना स्टार्ट करो। पहला पॉइंट, मैक्सिमम 2 लाइन्स के इंट्रोडक्शन। व्हीट एंड मेज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। व्हीट एंड मेज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, फुल स्टॉप। A rise in price of wheat increases the demand for maize. Increases the demand for maize. Full stop. बस इस पे इफेक्ट पड़ा है, ये हमने बता दिया। अब बनाओ डायग्राम। बना लिया। आंसर प्लीज रिव्यू। हाँ अनुष्का, श्योर श्योर। ठीक है, हो गया डायग्राम। अब लिखो एक्सप्लेनेशन। पहला पॉइंट मैं नहीं लिख पा रही, क्योंकि वो हर डायग्राम में कॉमन है। ई मार्केट इक्विलिब्रियम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पॉइंट्स तुम खुद लिख सकते हो। मैं सिर्फ रीजन की एक्सप्लेनेशन लिख पा रही हूँ। तो लिखो अगला पॉइंट, लिखो सेकेंड पॉइंट। As wheat and maize are substitutes, as wheat and maize are substitutes, comma, showing positive relationship, full stop, rise in price of wheat increases the demand for maize
सो द डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड्स, सो द डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड्स टू डी वन डी वन, टू डी वन डी वन, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पॉइंट बना देना उसको. दिस इंक्रीजेस द प्राइस, दिस इंक्रीजेस द प्राइस एंड क्वांटिटी, दिस इंक्रीजेस द प्राइस एंड क्वांटिटी टू ओपी वन एंड ओ क्यू वन रिस्पेक्टिवली, टू ओ पी वन एंड ओ क्यू वन रिस्पेक्टिवली. बस मैं सिर्फ एक डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखवा रही हूँ, बाकी तुम खुद कर सकते हो. ठीक है, अब देखो और कैसे केसेस बनते हैं. ये तो हमने एक कैटेगरी की. बस एक चीज याद रखो जो मैं हर बार बोल रही हूँ, और मैंने बार बार ये चीज रिपीट की है, तुम्हें जब पेपर मिलता है तब चीजें ध्यान नहीं रहती. बहुत बार ऐसा होता है, और अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें कहीं लिखा ही नहीं है डिमांड सप्लाई, तो इसमें डिमांड वर्ड लिखा हुआ है, तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के डायग्राम बना सकते हो. नथिंग इज रिटन, बट ये हमेशा लिखा होगा. एनालाइज द इकोनॉमिक थ्योरी, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे इफेक्ट बताओ, तब तो हम बना ही देंगे ये डायग्राम. मैं उन केसेस के लिए बोल रही हूँ अगर तुम्हें हिंट ही नहीं दिख रही कि यार इसको इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा, डायग्राम बनेगा भी नहीं बनेगा, उसके लिए मैं बता रही हूँ. कार्तिक है भाई, ये क्या टाइम है भाई, कितने लेट. और कई बच्चे ने लेट केस ज्वाइन किया, दिव्यांश तू भी लेट आया था, और कौन कौन आया है, आदित्य लेट आया है. कोई बात नहीं, लिखो क्वेश्चन लिखो अगला. रुको पहले मैं डस्टर ले आऊँ एक से. मैसेज की एक मिनट, मैसेज की अकाउंट्स की क्लास होगी 4 बजे. अच्छा सही है, अच्छा ठीक है, मैं चेक करती हूँ. ठीक है मैं चेक करती हूँ. ऐसे में ना कभी भी हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया कर, जैसे अभी अनुष्का ने मुझे बता दिया. ठीक है ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो दूसरी कैटेगरी. तुम्हें खुद दिमाग लगाना, और तुम मुझे बताओगे कौन सा कर्व शिफ्ट करेगा और कहाँ शिफ्ट करेगा. बहुत इजी केसेस है, देखो इन अ न्यूज़पेपर हेडलाइन स्टेटेड दैट शुगरकेन क्रॉप डैमेज इन उत्तर प्रदेश ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल. एनालाइज दिस स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी. लिख लो पहले पूरा क्वेश्चन. इन अ न्यूज़पेपर हेडलाइन स्टेटेड दैट शुगर केन क्रॉप डैमेज इन उत्तर प्रदेश ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल. एनालाइज द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी. अब सबसे पहली चीज, मार्केट इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, उसी के क्वेश्चंस हम सारे कर रहे हैं, तो वो तुम्हें पता है. फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट आई, एनालाइज दिस इकोनॉमिक स्टेटमेंट या एनालाइज दिस स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी.
ये तुम दिमाग में बिठा लो, ये क्वेश्चन में डायग्राम आएगा और मार्केट इक्विलिब्रियम का डायग्राम आएगा। अब तुम्हें बताना है डिमांड पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा या सप्लाई पे, एक ही कर्व पे इफेक्ट पड़ेगा, कभी साइमल्टेनियस नहीं होंगे इन सिचुएशंस। बताओ जल्दी, डिमांड या सप्लाई, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, जल्दी। ठीक है अनुष्का, जल्दी बताओ जल्दी यार, इतना तुमने पूरा साल हो गया तुम्हें माइक्रो पढ़ते हुए, कीर्ति बिल्कुल ठीक है, इतना तुम बहुत इजीली अज्यूम कर सकते हो। प्रथम वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, जल्दी भाई जल्दी। और बता, हमेशा ना गलत भी हो तो भी आंसर करो। अदिति बिल्कुल ठीक है, गुड, अपने ऊपर भरोसा रखो भाई थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं। देखो यार, जब भी कोई क्रॉप डिस्ट्रॉय होती है, अंश बिल्कुल ठीक है, जब भी कोई क्रॉप डिस्ट्रॉय होती है तो सबसे पहला इंपैक्ट पड़ता है प्रोडक्शन। तो जब क्रॉप डिस्ट्रॉय हुई है तो शुगर केन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। अगर शुगर केन की प्रोडक्शन ही कम है तो हम इसको ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे या कम सप्लाई कर पाएंगे? कम। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट, पहला इम्पैक्ट किस चीज पे पड़ रहा है? डिमांड तो होती रहेगी भाई, डिमांड को इससे थोड़ी मतलब है कि एक्सेस रेनफॉल की वजह से मेरी क्रॉप की प्रोडक्शन डिस्ट्रॉय हो गई, नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? सप्लाई पे। ध्यान रखना, शुगर केन की जगह वॉलनट्स भी हो सकते हैं, कोई व्हीट की प्रोडक्शन भी हो सकती है, पैडी क्रॉप की प्रोडक्शन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो क्रॉप डिस्ट्रक्शन में देयर इज ऑलवेज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो पहले इंट्रोडक्शन लिखो खुद अपने वर्ड्स में, इंट्रोडक्शन में से जितना लिखना है, क्रॉप डिस्ट्रॉय हुई, प्रोडक्शन घटी, इसलिए सप्लाई डिक्रीज हो गई। जल्दी लिखो, दो लाइंस बस। ठीक है, डायग्राम बनाओ, सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके डायग्राम बनाओ जल्दी से, और मुझे बताना प्राइस और क्वांटिटी पे कैसा इंपैक्ट पड़ रहा है। भाई वो ऐसा ना हो जिसको डायग्राम में दिक्कत, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, हमने बहुत डायग्राम्स बनाए हैं। सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। ध्यान रखना, सप्लाई कर्व को ही शिफ्ट करते हुए दिखाओ लेफ्टवर्ड, और प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो। ठीक है अनुष्का, ठीक डायग्राम की एक्सप्लेनेशन मैं नहीं लिखवा रही, वो तुम अपने पार्ट में करते रहना, डायग्राम तो बना लिया होगा सबने।
हो गया ना? ठीक है, अगला केस लिखो, अगला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ध्यान रखना 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं बुक में, मेरी बुक में जो 6 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं इसी कैटेगरी के हैं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, ठीक है? मतलब पूरा पूरा प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डायग्राम बना के देखना। तुम्हें पता होना चाहिए विच कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड्स और लेफ्टवर्ड्स, डिमांड कर्व शिफ्ट होगा या सप्लाई कर्व, ये ध्यान रखना। लेकिन अगला एक्सप्लेन एंड एनालाइज द इकोनॉमिक स्टेटमेंट, एक्सप्लेन एंड एनालाइज द इकोनॉमिक स्टेटमेंट इफ देयर इज स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बताओ कौन सा कर्व और कहाँ? स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स मतलब लोग धरने पे बैठे हुए हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, ये करो वो करो, ऐसे वाला। कीर्ति बिल्कुल ठीक है, जल्दी बोलो यार, जल्दी, इतना टाइम थोड़ा लगना चाहिए। अंश ठीक है, देखो यार मैं नाम नहीं लेना चाहती, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। और आंसर सबकी तरफ से आए क्योंकि ये तो यार ये तो इजीली प्रिडिक्टेबल है कि विच कर्व विल शिफ्ट एंड वेयर इट विल शिफ्ट। ठीक है अनुष्का, अदिति आदित्य, अबे तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे? माही, दिव्यांश, हर्षव, कार्तिकेय, जल्दी बताओ यार, इतने लल्लू पल्लू क्वेश्चन में अगर तुम टाइम वेस्ट करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स हैं, लोग धरने पे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब सीधा ये है कि अगर हर कंपनी वाले ऐसे ही अपने एम्प्लॉइज को स्ट्राइक वो पैसे वगैरह ढंग से नहीं देंगे तो हर कोई धरने पे बैठ जाएगा, और जिसकी वजह से प्रोडक्शन इम्पैक्ट होगी। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं, गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो अगर धरने पे बैठे हुए प्रोडक्शन रुक जाएगी, अगर प्रोडक्शन रुकेगी तो सप्लाई नहीं हो पाएगी कुछ की। तो इस केस में सप्लाई कहाँ शिफ्ट करेगा? लेफ्टवर्ड। डायग्राम बना लो इस केस में, बस इंट्रोडक्शन डायग्राम के एक्सप्लेनेशन तुम करते रहना, बस डायग्राम बना लो, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। ऐसे मैं एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ, डायग्राम बनाने के बाद ये वाला क्वेश्चन लिखना। ओ
ऊपर वाला केस हो जाए तो अगले वाले केस का इफेक्ट बताना, किस पे पड़ेगा और कहाँ शिफ्टिंग होगी। इजी, वेरी इजी। ठीक है अनुष्का, मतलब तुम ये देखोगे इन मोस्टली क्वेश्चंस में, तुम ये देखोगे कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। ठीक है कीर्ति, रीड कर देती हूँ मैं एक बार। एनालाइज द इकोनॉमिक स्टेटमेंट दैट केम इन एचटी सिटी, एचटी हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है प्रथम, देयर इज मोर वर्किंग वुमेन इन इंडिया नाउ, सो देयर इज मोर डिमांड ऑफ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स। क्वेश्चन में ही आंसर होता है, क्वेश्चन में ही आंसर। जैसे कई ऐसे इंग्लिश के जनरल टर्म्स है जो तुम्हें देखने को मिलेंगे, जैसे सोडा, SOAREB, सोडा। सोडा का मतलब होता है बढ़ना, प्राइस का बढ़ना। तो ऐसे कई क्वेश्चंस में ये वर्ड्स यूज होंगे, तो तुम्हें बस आइडिया होना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सोडा का मतलब होता है देयर इज अ हाइक इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस केस में जो डिमांड है वो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगी, दैट मीन्स द डिमांड का विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। डायग्राम बना लो, डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा, टूवर्ड्स राइट। एग्जैक्ट, डायग्राम बना लो इसका। इस चैप्टर के एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस, अदर देन फॉर्म्स ऑफ मार्केट के, फॉर्म्स ऑफ मार्केट के कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे तो वो खुद ही अज्यूम कर लेना कि वो तुम्हें नहीं करने। मतलब मोनोपोली मार्केट के, इस चैप्टर के मोनोपोली मार्केट के या ओलिगोपोली मार्केट के, तो वो सारे क्वेश्चंस तुम्हें नहीं करने रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सिर्फ मार्केट इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस देखना ढंग से, सिर्फ मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो गया, ये मिटा दूं। देखो एक और फॉर्मेट बता रही हूँ, इस चैप्टर से क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे आते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा होगा, लिखना ही मेरे साथ साथ, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इफ, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इफ इक्वेशंस गिवन है। क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू सपोज 10 - 2p, ये इक्वेशन है। क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल क्या है 1 + 2, ऐसे रैंडम इक्वेशंस ले रही हूँ मैं, ऐसे एक इक्वेशन। अब इतना सा क्वेश्चन आता है और ये 3 या 4 नंबर का होता है, 1 नंबर में भी नहीं आता, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो बोलोगे कि क्या था मजाक। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब 3 या 4 नंबर में न्यूमेरिकल आया। देख देखो, कुछ नहीं करना, मुझे पता है इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होते तो बस इक्वेट कर। इतनी मैथ्स तो सबको आती है। QD है 10 - 2p, QS है 1 + 2p, बस इक्वेट करना है। ये कितना हुआ, 10 - 9 और ये 4p, तो यहां से प्राइस आ गया 9/4, विच इज इक्वल टू कितना, 2.25, ये आएगा देखना। हाँ 2.25 ये आ गया प्राइस, ये पहला पार्ट है। ये तो हो गया मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के लिए भाई किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, QD QS किसी भी, क्योंकि प्राइस तो आ गया, ये प्राइस ही है, यहाँ पुट करो यहाँ पुट करो, हमेशा ये सेम नहीं आएंगे।
हो सकता है कि कई बार क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाई कम है, तो तुम बोल दोगे कि देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। अगर क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांडेड कम है, तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। ये है 3 या 4 नंबर। मैं खुद बताओ, ये फ्री के मार्क्स थी, 3 या 4 नंबर में आते हैं न्यूमेरिकल्स। तुम्हें बस ये देखना है कि भाई इक्वेशन, हमें पता है इक्विलिब्रियम होता ही वहां पे है जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो। बस QD भी है, QS भी है, इक्वेट करके वैल्यूज पुट करो बस। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? जब अपने चैप्टर्स को गो थ्रू करना स्टार्ट करोगे, हर एक चैप्टर को, स्टैटिस्टिक्स या माइक्रो, पहले माइक्रो कंप्लीट करना आपने, तो जब चैप्टर्स को गो थ्रू करोगे तो ध्यान रहे भाई, पहले ना अपनी एक्सरसाइज खत्म करो जो बुक के पीछे दी हुई है, उसमें कई क्वेश्चंस के आंसर्स भी। तो फर्स्ट कंप्लीट द एंटायर एक्सरसाइज, तब किसी और बुक के क्वेश्चंस को करो। जैसे कई बच्चे मुझे डाउट्स में भी पूछ रहे थे कि मैम ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताना, अरे वो बुक में भी तो दिया हुआ है भाई, तूने बुक ही नहीं खत्म की अभी तक। मतलब बुक खत्म करो, इट्स जस्ट लाइक कि जैसे बोलते हैं ना 12th स्टैंडर्ड में भी, 11th में भी, ये एनसीईआरटी खत्म करो मैथ्स की, उसके बाद तुम अदर अदर एपीसी आरडी वगैरह आपके क्वेश्चन करना प्रैक्टिस करो। सेम कॉन्सेप्ट है भाई, बुक इसलिए दी है तुम्हें, बुक खत्म करो, उसके बाद अलग अलग क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आधे हजार तुम्हारे इसी में दिए हुए। तो एक्सरसाइज कंप्लीट करो पहले पूरी तरीके से। अलोंग विद दिस एक चीज और है, जो जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, अगली क्लास से हर दिन एंड तक हम एक एक पेपर सॉल्व करेंगे टर्म टू एग्जाम का। हर दिन का हमारा ये रहेगा, नेक्स्ट क्लास से ही मैं तुम्हें पेपर देना स्टार्ट करूंगी। तुम्हारा पूरा टॉपिक, जो तुम्हें अगर इक्का दुक्का भी तुम्हें थोड़ी दिक्कत है ना, जैसे कॉस्ट के कर्व्स में तुम्हें थोड़ी दिक्कत है, रेवेन्यू में थोड़ी सी दिक्कत है, वो इसी इन्हीं पेपर्स के थ्रू तुम्हारे कवर अप हो जाएंगे। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अपने चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट कर अच्छे लेवल पे, ठीक है? इतना तो कर सकते हो, रिविजन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो रिवाइज करो एंड विल सॉल्व द पेपर। मैक्सिमम पेपर हम 60-70% पेपर क्लास में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई? ठीक चलो मिलते हैं अगली क्लास में। और छुट्टी मत करना जो लेट ज्वाइन कर रहा है, हो सकता है, मुझे लगता है तुम्हारा कोई इंटरनेट एरर ही होगा या फिर जूम में कोई दिक्कत हो जाती है कई बार। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट अनुष्का, और जो भी डीएलएफ का बच्चा है ऑल द वेरी बेस्ट, और जिनके भी अभी एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट, वरना हम तो भी मिलते ही रहेंगे। बाय, टेक केयर।